ब्रह्म पार। बड़ी सुंदर महिमा है जो लोग झार बीर पे जाते हैं। रे जो तुम्हें मनावे तुम करते बेड़ा पार, रे जो तुम्हें मनावे तुम करते बेड़ा पार, रे जो तुम्हें मनावे तुम करते बेड़ा पार। हो नीले घोड़े वाले जाहर तेरी महिमा या परम पार, रे जो तुम्हें अवतार हुए कलयुग में, ओ अवतार हुए कलयुग में, ओ अवतार हुए कलयुग में, जब जब भगत बुलावे रे पापा तुम आते हो हर युग में, ओ तुम्हें आते हो हर युग में, ओ तुम्हें आते हो हर युग में, रे साथ निभाते हो तुम्हें दुख में, तुम्हें पूजे ये संसार, रे जो तुम्हें को धावे तुम्हें करते बेड़ा पार, रे जो तुम्हें को धावे तुम्हें करते बेड़ा पार। बाबा जी तेरे बागड़ में सभी दुखड़ मिटाए जाते हैं, बाबा जी तेरे बागड़ में सब दुखड़ मिटाए जाते हैं, गर जिसके सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, जिसके सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हो यार Thank you.
नमन करे से, हो जो तुम्हें को नमन करे से, हो जो तुम्हें को नमन करे से। रे घोड़ा लेकर जहां समाए, भक्तों में भाव भरे से, हो भक्तों में भाव भरे से, हो भक्तों में भाव भरे से। रे तेरी भक्ति पार करे से, तुम करते हो उद्धार रे, जो तुम्हें को धावे तुम करते बेड़ा पार रे, जो तुम्हें को धावे तुम करते बेड़ा पार रे। हे रजपूत वीर जाहर जो पाकड़ में जाय समाया, हो पाकड़ में जाय समाया, हो पाकड़ में जाय समाया। रे माँ के एक वचन को तूने जीवन से बड़ा बनाया, हो जीवन से बड़ा बनाया, हो जीवन से बड़ा बनाया। इस मैं तो जाऊं बागड़ धाम, हो धाम।
प्यारे वो तो सारे सारे काम हो काम जाहर प्यारे के दर्शन को बागड़ में बनते काम हो काम जाहर प्यारे के दर्शन को पार।
कहते हैं कि वो बागड़ धाम जहां जहरवीर घोड़ा लेकर समा गया। एक छोटी सी बात के लिए माने ये कह दिया कि मुझे कभी तेरी शकल नहीं देखनी। कथा तो बहुत लंबी है। और जब एक रोज वो सीरियल से मिलने चुपके से घर गए तो माँ को पता लग गया। और माँ की ममता ऐसी होती है कि एक बार कह तो देती है गुस्से में, लेकिन अपने बेटों से कभी अलग नहीं रहती। कहने लगी, मैं अपने बेटे के एक बार दर्शन करना चाहती हूँ। तो छुप कर जैसे ही कमरे में आई तो जहरवीर ने शकल नहीं दिखाई और घोड़ा लेकर बागड़ में समा गए। ऐसे मेरे जहरवीर, आइए क्या लिख दिया, क्या बताया। माँ के एक वचन की खातर पूरा प्रण निभाया। और बागड़ में जा कर के बाबा घोड़े सहित समाया। रे जहर घोड़े सहित समाया। रे घोड़े सहित समाया। रे तेरी नाव में बैठ के बाबा, तेरी नाव में बैठ के बाबा, तेरे नाम को मैं पतवार करूं। अरे गोरखनाथ का नाम रटू तेरा सुमरण बार में बार करूं, तेरा सुमरण बार में बार करूं। तेरी गोगा मेरी पैरे जो सच्चे दिल से जाता है। अरे सारे कष्ट हरे बाबा, वो जोड़ी भर कहलाता है। वो जोड़ी भर के आता है। वो जोड़ी भर के आता है। तेरे नाम का करके सुमरण, तेरे नाम का करके सुमरण, ना जीवन की कदे हार करूं। अरे गोरखनाथ का नाम रटू तेरा सुमरण बार में बार करूं, तेरा सुमरण बार में बार करूं। सोहित भाटी जी की पहली जहरवीर बाबा के नाम पर ये पहली 100 रुपए की अरदास। जहरवीर बाबा हमेशा उनके भंडारे भरते रहे। कहते हैं उनके धाम पर जो चला जाता है वो झोलिया भर के लाता है। बड़ा सुंदर धाम है। मुझे तो आज तक खैर बाबा ने नहीं बुलाया, लेकिन काफी दिनों से मैं बाबा जहरवीर के भजन गाता हूँ, भजन लिखता हूँ। उनकी महिमा कंठस्थ याद है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि हम लोग अपने आराध्य देव के चरणों में बैठकर उनकी महिमा सुनते हैं। ये हमारे आदरणीय वीर सिंह भाटी जी, उनकी तरफ से 201 रुपए की अरदास बाबा जहरवीर के चरणों में आई है। बाबा उनके हमेशा भंडारे भरते रहे। लिखा भी है कि मानो तो देव वरना मिट्टी का लेव। ये एक सच्चाई है। जो लोग मानते हैं वो पाते हैं, और जो मानेगा ही नहीं वो कभी पाएगा भी नहीं। आइए क्या लिखा, क्या बताया। जहरवीर गोरखनाथ की कृपा से, गोरखनाथ की कृपा से तुम जहरवीर जन्माए। और सागर में से रतन काट के बाछल को खिलवाए। रे बाबा बाछल को खिलवाए। रे बाबा बाछल को
को खिलवाए। कहते हैं कि समुंदर में से मोती निकालकर बाछल को दिया और बाछल ने वो मोती खाया, उससे केवल एक बेटा हुआ जो जारवीर कहलाया। उसकी जो बहन थी काछल, उसके 100 बेटे हुए। और इस जारवीर की कथा में इस बात का बड़ा महत्व है, जो लोग जारवीर की कथा को सुनते हैं जानते हैं कि दोनों उधर वे 100 भाई, इधर एक जारवीर, दोनों के किसी बात पे दुश्मनी हुई तो जारवीर ने उन 100 भाइयों को वध किया। इस बात पर माँ बाछल ने जारवीर से यह कह दिया, कभी तेरी सखल नहीं देखूंगी। ये बड़ी करुणा में कथा है जो लोग जारवीर को जानते हैं। आइए किस तरह से लिखा है। गुरु गोरखनाथ की कृपा से, गोरखनाथ की कृपा से तुम्हें जहार वीर जन्माए, और सागर में से काढ़ रतन माँ बाछल को खिलवाए। गोरख को खिलवाए, गोरख बाछल को खिलवाए। तेरी माया का गुण गा के रे, तेरी माया का गुण गा के मैं पार यूं ही पतवार करूं, गुरु गोरखनाथ का नाम रटूं और सुमरण बारंबार करूं, तेरा सुमरण बारंबार करूं। ये गौर, ये पहला भजन है इसलिए मैं दास से जरूर बोलूंगा। हमारी बहन जी कपिल जार बाबा के लिए चावड़ा, उनकी तरफ से 101 रुपए की अरदास। बाबा जारवीर के चरणों में, बाबा जारवीर आपके हमेशा मनोकामना पूर्ति करें। आइए चौथी कली में क्या बाबा के लिखा, क्या बताया। तेरे धाम पे आ करके जो तुझको शीश नवाता है, और मन चाही हो जाती है वो परम पदवी फल पाता है, वो परम पदवी है, वो परम पदवी फल पाता है। ये गौतम बाटी गाता है, ये गौतम बाटी गाता है, बाबा का मैं प्रचार करूं और गोरखनाथ का नाम रटूं, तेरा सुमरण बारंबार करूं, तेरा सुमरण बारंबार करूं, तेरा सुमरण बारंबार करूं, तेरा सुमरण बारंबार करूं। उठाइए दोनों हाथ, कहिए बागड़ धाम की, बोल गुरु गोरखनाथ की। कैसी हो रही जय जय, कह रहे तेरे मैडी आड़े धाम पे, कैसी हो रही जय जय, कह रहे तेरे बागड़ वाले धाम पे।
गोगा जी के मंदिर में रंग बरसे हो पिया और चावन देने मेरा मनवा तरसे हो पिया। बोली सच्चे दरबार की, कितने भक्त गए गोगा मेरी एक बार हाथ खड़े करके बताएंगे क्या बात है। एक दो तीन चार, पीछे भगत ज्यादा गए इधर से कम गए हैं, है ना। बोली सच्चे दरबार की, दरबार की आइए, अब तो कई बार कह ली, अब तो आके हाजरी लगा दो। बोली सच्चे दरबार की और कहने लगी, और गोगा जी के मंदिर में रंग बरसे हो पिया।